हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप शर्मा आज आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। और आज का जो वीडियो है वो अपना बेस्ड है मोशन टॉपिक पे। तो मोशन टॉपिक से रिलेटेड अपन एक वीडियो पहले देख चुके हैं जिसमें अपन ने मोशन से रिलेटेड जो भी अपने पास बेसिक टर्म्स थी जो मोशन को समझने के लिए अपने को आवश्यक होती है या ज़रूरत होती है जिनकी, वो अपन पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में अब उसी के आगे का पार्ट को स्टडी करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि जैसे ही उसको कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिक्स इंस्टीट्यूट में स्वागत है। कोई भी नया वीडियो देखना हो तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएँ। तो बच्चों, अगर आज अपन बात करें तो अपना टॉपिक था मोशन, और मोशन में अपन पढ़ेंगे आज टर्म यूज टू डिफाइन मोशन पार्ट। और इसका मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है जिसमें आज अपन केवल दो ही टॉपिक की स्टडी करेंगे। एक तो होगा आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और सेकेंड जो टॉपिक है वो आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी आज के वीडियो में अपन ये समझेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग तो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या होता है, सेकंड अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को किस तरीके से अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं, और अगर किसी प्रॉब्लम में अपन को डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आपके पास। तो आज का जो वीडियो है वो आपका क्लास सेवन्थ है उसका स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्लास नाइन्थ है उस क्लास के स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और क्लास इलेवंथ है उसके ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यानी तीनों क्लास के स्टूडेंट आज के वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और इसके जो बेसिक्स हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं अपने टॉपिक को समझने के लिए। तो अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे अपन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों, सबसे फर्स्ट आता है आपका यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग जनरली क्या होता है कि यूनिफॉर्म जब भी अपन वर्ड आए तो यूनिफॉर्म का मीनिंग ये समझना कि कांस्टेंट क्वांटिटी के बारे में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। कहने का मीनिंग हो गया कि जैसे मान लो कि अपन यहाँ से कहीं जा रहे हैं और जाते टाइम पे अपने ही अगर अपन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने का काम करते हैं। कहने का मीनिंग हो गया कि जैसे मान लो कि मैंने एक घंटे का टाइम पीरियड लिया, एक घंटे के टाइम पीरियड में मान लो कि मैंने इसको क्या किया, 10-10 मिनट के पीरियड में डिवाइड किया, तो इस तरीके से टोटल 6 पीरियड हो गए। अब मैंने कहा कि स्टार्टिंग के जो 10 मिनट है उसमें भी मैंने क्या किए कि 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, अगले 10 मिनट है उसमें भी 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। तो इस तरीके से अगर आप बोलो इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की जाए तो आप कह सकते हो कि उसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म। और अगर आपका अनइक्वल हो जाए ये डिस्टेंस तो अपन कहेंगे मोशन कैसा, नॉन यूनिफॉर्म। तो देखो अपन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स या इंटरवल्स ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल मे बी। यानी कहने का मीनिंग है कि आप कितना भी स्मॉल टाइम इंटरवल लो, अगर आप टाइम इंटरवल लेते हो और उसमें अगर ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, ध्यान रखना बच्चों इक्वल टाइम इंटरवल। करने का मीनिंग अपन ने जैसे 5-5 मिनट का टाइम पीरियड लिया या 5-5 सेकंड का टाइम पीरियड लिया, तो हर टाइम पीरियड में अपने पास क्या होता है कि अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट रहती है तो अपन उस मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, और अगर आपकी ये जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहती है तो अपन उसको नाम दे देंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो कह रहा है ए बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी टाइम इंटरवल तो इक्वल है पर आपके पास डिस्टेंस है वो कैसी हो, अनइक्वल हो, तो इस तरीके के मोशन को नाम दे देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करो तो अगर आप किसी हाइट से किसी बॉडी को ड्रॉप करते हो और वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इफेक्ट में अगर मोशन करती है तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल टाइम इंटरवल में आपको क्या मिलेगी, अनइक्वल मिलेगी। कैसे मिलेगी वो अभी समझेंगे। पहले अपन यूनिफॉर्म मोशन का अगर एग्जांपल की बात करें तो कह रहा है कि ए कार रनिंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ से 10 मीटर पर सेकेंड विल कवर इक्वल डिस्टेंसेज ऑफ
10 मीटर्स इन एवरी सेकंड। अब देखो बच्चों, यहाँ स्पीड का नाम लिया 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड का मीनिंग है कि 1 सेकंड में बॉडी या जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये कह रहा है कि अगर स्पीड उसकी कैसी है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट स्पीड होने का मीनिंग वो हर 1 सेकंड में क्या करेगा, 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यानी कि 1 सेकंड का जो टाइम इंटरवल है अगर अपन वो कांस्टेंट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट होगी। और कांस्टेंट होगी तो अपन कहेंगे कि ऑब्जेक्ट है वो कौन से मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। ऐसे अगर आप बात करो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपके पास क्या देखने को मिलेगा कि अगर मान लो कि अपन किसी बॉडी को क्या कर रहे हैं, किसी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। जैसे कहा कि इफ़ वी ड्रॉप ए बॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, वी विल फाइंड दैट इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो अगर मान लो मैं बात करूं किसी बॉडी के मोशन की जिसको अपन ने किसी हाइट से ड्रॉप किया, तो कह रहा है कि 4.9 मीटर इन फर्स्ट सेकंड, 14.7 मीटर इन सेकंड सेकंड और 24.5 मीटर इन थर्ड सेकंड। तो आप क्या देख रहे हो कि सेकंड तो आपकी क्या फिक्स है, पर यहाँ आप डिस्टेंस देखोगे तो वो डिस्टेंस आपको क्या मिल रही है, अलग अलग मिल रही है। तो आप कह सकते हो कि अगर किसी मोशन में बॉडी के इक्वल इंटरवल में आपकी डिस्टेंस है वो अनइक्वल है तो आपका मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये तो हो गई आपकी यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात आपके पास। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बॉडी कैसे मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो क्या मिलेगा आपको, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और अगर आपका बॉडी कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो आपका स्ट्रेट लाइन ना मिलके किसी भी तरीके का क्या मिल सकता है, कर्व मिल सकता है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। आगे अपन जब ग्राफ पढ़ेंगे तो ग्राफ में भी देखेंगे कि बॉडी का अगर ग्राफ कैसा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो बॉडी का मोशन अपन कहेंगे यूनिफॉर्म है। और अगर बॉडी का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो कैसा होगा, कर्व की फॉर्म में होगा, यानी कि लीनियर फॉर्म में नहीं होगा, तो अपन उस मोशन को नाम देंगे अपना नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आई होप बच्चों आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन तो कब कहेंगे और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब कहेंगे आपके पास। आपको बस यही बात ध्यान रखनी है कि अगर डिस्टेंस फिक्स है फिक्स टाइम में तो यूनिफॉर्म है, और अगर डिस्टेंस फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, तो अपन कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। आगे जाके डिटेल में और देखेंगे कि जब भी आपकी स्पीड फिक्स रहती है तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, और अगर स्पीड चेंज होगी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। या आप ये कह सकते हो कि जब बॉडी का एक्सलरेशन 0 होगा तो स्पीड फिक्स रहेगी तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, और बॉडी में अगर एक्सलरेशन आपका अब्सेंट होगा तो अपन कहेंगे बॉडी कैसी, प्रेजेंट होगा तो अपन कहेंगे बॉडी किस मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अभी ये अपन बाद में पढ़ेंगे जब एक्सलरेशन टॉपिक के बारे में समझ लेंगे कि एक्सलरेशन होता क्या है और वो किस तरीके से बॉडी को इफेक्ट, बॉडी के मोशन को इफेक्ट करने का काम करता है। तो ये तो हो गई यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है डिस्टेंस। तो अपन समझेंगे कि डिस्टेंस होती क्या है आपके पास। तो डिस्टेंस की जब भी बात करोगे तो कहता है कि इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई ए मूविंग पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मीनिंग क्या हो गया कि अपने पास कोई अगर फिक्स टाइम दे दे और उस फिक्स टाइम में कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, तो मोशन के ड्यूरिंग जो भी और पाथ ऑप्टेन करेगा या जो भी वो पाथ क्या करता है, फॉलो करता है, तो उस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होगी उसी को अपन क्या नाम देंगे, डिस्टेंस का नाम देंगे। अब आपके पास जैसे एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा है, इस मोशन में वो क्या कर रहा है, पहले ए से बी जा रहा है, फिर बी से क्या कर रहा है, सी जा रहा है। वो ए से बी में उसने 3 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की और बी से सी में उसने 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। तो इस तरीके से अगर उसका पाथ देखोगे तो उसका पाथ हो गया आपका ए टू सी बी और बी टू सी, तो टोटल पाथ हो गया ए बी सी। अब इस ए बी सी पाथ की अगर लेंथ देखोगे तो 3 मीटर प्लस 4 मीटर कितनी होगी, 7 मीटर। तो आप कहोगे कि इस मोशन में इस ऑब्जेक्ट की जो टोटल लेंथ है वो कितनी हो गई आपकी, 7 मीटर हो गई। और टोटल लेंथ 7 मीटर हो गई तो अपन कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उस मोशन में उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, 7 मीटर। एक्सप्लेनेशन देख लो, कह रहा कि पार्टिकल स्टार्ट किया ए और पहुंच गया सी पर, किसके थ्रू, पॉइंट बी के थ्रू। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो गई ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 7 मीटर। तो इस तरीके से जब भी आप डिस्टेंस की कैलकुलेशन करो
तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको पता करना है कि पाथ कौन सा है, फिर देखना है कि पाथ में अपने पास जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं उन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या क्या है, उनको सबको एड अप कर दोगे तो आपके पास टोटल लेंथ आ जाएगी। टोटल लेंथ को अपन क्या कहेंगे, डिस्टेंस कह देंगे। अब आपको वही ध्यान रखना है कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग हो गया कि इसमें अपन को केवल क्या है, मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो कह रहा है कि डिस्टेंस की अगर डायमेंशन, अब बच्चों डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है कि अगर किसी क्वांटिटी को मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या लुमिनियस इंटेंसिटी, ये क्या होती है आपकी एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है जिनको मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको। तो उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में अगर अपन किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो पावर्स होती है उनको तो कहते हैं डायमेंशंस, और ये जो रिलेशन होता है उसको कह देते हैं अपन डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको अपन अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस का अगर डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो ये होता है m0 L1 t0, यानी कि मास की पावर 0 होती है, लेंथ की पावर 1 होती है और टाइम की पावर भी आपके पास क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो इसकी यूनिट होती है वो मीटर होती है, और ये मीटर किस में होती है, SI यूनिट। बाकी आपकी अदर यूनिट्स भी होती है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, फुट, इंच, ये सारी की सारी यूनिट्स किसकी होती है, डिस्टेंस की होती है। आपको इसकी SI यूनिट ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है आपको, और पॉइंट क्या कहता है कि कोई भी दो पॉइंट के बीच में पाथ के अकॉर्डिंग आपकी डिस्टेंस है वो क्या हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। आपके पास कहने का मीनिंग ये हो गया कि अगर मैं अपना जयपुर से अजमेर की अगर डिस्टेंस की बात करूं या किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की बात करूं, तो अगर मैं ये इन दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंट डिफरेंट पाथ अगर फॉलो करता हूँ तो उसमें मेरे को डिस्टेंस है वो भी क्या मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। तो ये तो हो गया डिस्टेंस का मीनिंग। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर आप डिफाइन करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन इज द डिस्प्लेस। कहने का मीनिंग ये है कि है तो ये भी डिस्टेंस ही, पर आपको इसके साथ एक वर्ड ध्यान रखना है कि क्या है, गिवन डायरेक्शन, यानी किसी गिवन डायरेक्शन में अगर अपन क्या करते हैं डिस्टेंस की बात करेंगे तो उस टाइम पे अपने पास जो टॉपिक आएगा या जो भी क्वांटिटी आएगी उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो कहता है कि कोई भी दो पॉइंट लो और उन दो पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगी वही क्या कहलाएगी आपके पास, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी आपके पास। इसकी कैलकुलेशन सीखेंगे आगे अपन कि जब भी आपके पास इनिशियल कोई पॉइंट होगा और फाइनल कोई पॉइंट होगा, उन दोनों पॉइंट के बीच में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पाथ के अकॉर्डिंग डिस्टेंस डिफरेंट हो सकती है, पर उनमें सबसे जो शॉर्ट डिस्टेंस होगी उसी को अपन क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो ये आपको ये कहता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट इज दी चेंज इन दी पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि ए वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, यानी कि एक तो आपके पास इनिशियल पोजीशन होती है और एक फाइनल पोजीशन होती है, इन दोनों को जब जॉइन करते हैं तो इनिशियल से फाइनल की ओर जो आपको वेक्टर मिलता है उसको कह देते हैं अपन पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का क्या होता है, आपका पोजीशन वेक्टर होता है। अब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड भी चाहिएगा और डायरेक्शन भी चाहिएगी। अब ये वेक्टर और स्केलर क्या होता है, इसका भी मैं अलग से आपको एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें अपन वेक्टर और स्केलर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप अगर बात करोगे तो डायमेंशन, इसका भी डिस्टेंस के डायमेंशन के इक्वल होता है आपके पास, यानी m0 L1 t0। यूनिट है वो भी डिस्टेंस के इक्वल होती है, यानी कि मीटर जो SI यूनिट होती है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो अपने प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा था कि आपके पास एक डायग्राम था जिसमें ऑब्जेक्ट है वो ए टू बी जा रहा था और बी टू सी जा रहा था। तो इस तरीके से अगर अपन ए और सी को बात करें तो ए तो इनिशियल पॉइंट हो गया और सी आपका फाइनल पॉइंट हो गया। अब इनके बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो अपन कह सकते हैं ए बी प्लस बी सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ए सी के इक्वल हो जाएगा। यानी ए टू सी है वो हो गया आपका फाइनल वेक्टर, यानी ए सी को अपन पोजीशन वेक्टर कहेंगे। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो अपन को तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अपने पास क्या होता है कि वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने पास फॉर्मूला हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस टू ए बी
इंटू बी सी कॉस 90। अब ये कैसे आया वो तो अपन क्या करेंगे, अलग से जब वेक्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एसी, और उसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो उस मैग्नीट्यूड को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 4 मीटर निकल कर आएगा, 5 मीटर निकल कर आएगा। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था जिसमें आपके पास बेस था और परपेंडिकुलर था, उसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, हाइपोटेनियस, जो कितना निकल कर आएगा, 5 मीटर। तब आप यहाँ से क्या देख रहे हो कि डिस्टेंस तो आपको 7 मीटर मिली जबकि डिस्प्लेसमेंट आपको क्या मिला, 5 मीटर मिला। तो ये हो गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग। अब डिस्प्लेसमेंट के से रिगार्डिंग आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर मान लो अपन कोई मोशन कर रहे हैं ना, उस मोशन में अपने पास डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट है, जैसे कंसिडर कर लिया S1, S2, S3, डॉट डॉट SN। तो अब अपन को टोटल डिस्प्लेसमेंट जब निकालना है तो इनका क्या करना है, नेट वेक्टर सम करना है। अब वेक्टर सम का मीनिंग क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड अलग से ऐड करेंगे और डायरेक्शन अलग से ऐड करेंगे। तो इसको वेक्टर सम को अपन क्या करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी मोशन में अगर अपने पास डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट है तो नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, वेक्टर सम करना है जितने भी डिस्प्लेसमेंट गिवन हो उनका आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आता है इसमें एग्जांपल कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ओ टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू सी, बी टू ए, देन डिस्प्लेसमेंट। तो अब आपके पास ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आपके पास ये ओ तो आपका ओरिजिन है और इनके बीच में आपके पास क्या, दो पॉइंट लिए मैंने ए और बी, और आपकी ये एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं आपके पास। तो अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट है पहले कहाँ गया, ओ टू बी गया, और फिर बी से कहाँ आया आपके पास, ए आया। तब आपके पास फाइनल डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना चाहेंगे तो अपन क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन तो हो गई एक्स टू और इनिशियल पोजीशन हो गई आपकी एक्स वन आपके पास, सॉरी इनिशियल, जैसे ओ टू ए है, ओ टू ए से क्या पहले तो क्या गया, ओ टू बी गया, ओ टू बी गया तो आपके पास टोटल डिस्टेंस मान ली एक्स टू, फिर बी से कहाँ आया आपका, ए आया तो डिस्टेंस मान ली एक्स वन। तो अपन आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो एक्स टू माइनस एक्स वन। अब डायग्राम में देख रहे हैं कि अपन क्या कर रहे हैं, लार्ज क्वांटिटी में से स्मॉल क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए आपके पास ये क्वांटिटी कैसी आ रही है, पॉजिटिव। अब आपके पास कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि आपके पास जो आने वाली क्वांटिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, वो अपन आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा क्या होता है कि यूनिक क्वांटिटी होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। कहने का मीनिंग, कोई भी दो पॉइंट लोगे तो उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। एक और पॉइंट याद रखना है कि आपके पास अगर कोई बॉडी है वो स्टार्टिंग पोजीशन से मोशन स्टार्ट करके वापस उसी पोजीशन पे आ जाती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग। इस पर रिलेटेड अपन क्या कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें आपको क्वेश्चन दे रहा है कि ए पर्सन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, देन 4 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 2 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। यानी कि आपको क्या कर रहा है कि कोई एक पर्सन है जो बोल क्या कर रहा है कि किसी फिक्स पोजिशन से स्टार्ट होके 5 मीटर तो कहाँ गया, ईस्ट में, फिर 4 मीटर कहाँ गया, नॉर्थ में, और फिर क्या गया, 2 मीटर वेस्ट में गया। तो इस तरीके से उसने टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो तो कितनी हो गई, 5, 4 और 2। तो अब क्वेश्चन में अपन को क्या पूछ रहा है, फर्स्ट तो पूछ रहा है कैलकुलेट दी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और सेकंड पूछ रहा है अपने पास कैलकुलेट दी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो अपन फर्स्ट बात करते हैं डिस्टेंस की। तो अभी डिस्टेंस में क्या पढ़ के आए अपन कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मोशन करेगा, तो उस मोशन में उसका जो पाथ होगा उस पाथ की एक्चुअल लेंथ है वो क्या होगी, उसकी डिस्टेंस। तब आप अपना अगर यहाँ देखें तो उसकी एक्चुअल पाथ लेंथ देखें तो पहले तो सबसे पहले उसने 5 मीटर ट्रेवल किया, फिर 4 मीटर और फिर 2 मीटर। तो इस तरीके से उसकी डिस्टेंस हो जाएगी 11 मीटर आपके पास। तो आप कह सकते हो कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी पर्सन इज इक्वल्स टू 5 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, 11 मीटर हो गया। नेक्स्ट जब डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन करोगे तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो अब डायग्राम में आपके पास ये ड्रॉ करने के लिए अपन को क्या कंसिडर करना होता है, एक स्केल कंसिडर करना होता है। स्केल की बात करेंगे तो अपन कन्वीनियंट स्केल ले रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या आपका, 1 मीटर आपके पास। तो अब अगर आप देखोगे तो ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, और ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं तो पहले अपन 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करते हैं ईस्ट डायरेक्शन में,
फिर अपन क्या करते हैं, 4 मीटर की डिस्टेंस और डायरेक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। और फाइनल में क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी, कौन सी डायरेक्शन में, आपकी वेस्ट डायरेक्शन में। तो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज कैलकुलेटेड बाई ज्वाइनिंग दी इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। यानी कि अपन क्या करेंगे, एक तो इनिशियल पोजिशन देखेंगे जो कहाँ से है, ए से है, और फाइनल पोजिशन क्या हो गई आपके पास, डी हो गई। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास ये डायग्राम हो गए। इस डायग्राम में आपके पास क्या देख रहे हो कि जो इनिशियल पॉइंट है वो ए है, फाइनल पॉइंट क्या है, डी है, इनके बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो क्या हो गई आपके पास, ए डी हो गई आपके पास। अब ए डी हो गई, तो अब आप ए डी को कैलकुलेट करोगे तो आप क्या देखोगे कि आपके पास ये एक और ट्रेंगल बन रहा है, और इस ट्रेंगल में आपके पास क्या है, ए बी तो है 5 मीटर और डी सी क्या है आपके 2 मीटर। तो यहाँ से देखोगे तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, 3, और ये क्या है, 4। तो इस तरीके से ट्रेंगल में निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 5 मीटर आ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट आया वो ए बी जी कस टू कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। तो इस तरीके से अपन क्या कह सकते हैं कि आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का वो कितना हो गया, 5 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू अपन ने क्या लिया, 5 मीटर लिया। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन आपके पास। तो बच्चों जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, और उस डायग्राम में क्या देखना है, इनिशियल पॉइंट देखना है और फाइनल पॉइंट देखना है, और उन दोनों के बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी वही क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट। एक और प्रॉब्लम देखते हैं इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि कोई बॉडी है जो मोशन कर रही है, और इस मोशन में उसका मोशन है स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसमें इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आर सोवन विद टाइम इन फिगर। यानी अपन को एक फिगर दे रहा है, और उस फिगर में अलग अलग पोजिशन दे रहा है, ए बी सी डी एंड ई रिप्रेजेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी मोशन। तो अब अपने पास ये एक फिगर है, इस फिगर में आप देखोगे तो आपका हॉरिजॉन्टल में तो ले रखा है उसने टाइम, और वर्टिकल में ले रखी है डिस्टेंस। अब आपको एक ग्राफ है वो क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब इसमें ये आपके पास अलग अलग टाइम है, जिसमें आपका 0 टाइम पे तो ए पोजीशन है, 2 सेकंड पे आपकी बी पोजीशन है, ऐसे 4 सेकंड पे आपके पास सी पोजीशन है, ऐसे 5 सेकंड पे के पे आपके पास क्या है, ये वाली पोजीशन है, 6 सेकंड पे डी पोजीशन है, और 7 सेकंड पे क्या है, ई पोजीशन है। अब अपन को क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड दी, एक तो फाइंड करना अपन को डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन फर्स्ट 2 सेकंड, सेकंड फाइंड करना आपके पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 सेकंड, और थर्ड अपन को फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकंड। तो देखो इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो 2 सेकंड पे ऑब्जेक्ट बॉडी कौन सी पोजीशन पे, बी, और बी पोजीशन की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 40 मीटर। तो आप कह सकते हो कि 2 सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो कितना हो गया उसका, 40 मीटर हो गया आपके पास। नेक्स्ट कह रहा टोटल डिस्टेंस इन 7 सेकंड, तो 7 सेकंड की अगर बात करोगे तो 7 सेकंड में आपके पास अगर ऑब्जेक्ट की बात करोगे तो आपके पास ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि ओ से आपके पास ई पर जा रहा है, और ओ से ई पर जा रहा है। तो अगर आप देखोगे तो पहले तो ऑब्जेक्ट कहाँ गया आपके पास, यहाँ पे टॉप पे गया, जो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने, 80, और फिर यहाँ से वापस कहाँ आ गया आपका, ई पे आ गया। तो आप यहाँ से देखोगे तो जाने में डिस्टेंस कितनी की, 80, और रिटर्न होने में भी कितनी की, 80, तो टोटल डिस्टेंस हो गई इसकी 160। तो अब आप यहाँ से कह सकते हो कि 7 सेकंड की अगर डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपके पास, 160 मीटर। अब बच्चों ध्यान दे लेना कि 160 कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि आपके पास 5 सेकंड में ही उसने 80 कर ली, 5 सेकंड के बाद में अगले जो 2 सेकंड उसमें वापस क्या करेगा, ई पोजीशन यानी ओरिजिन पे आ गया, यानी कि जहां आपके पास 80 पे था वो वहां से कहां पे आ गया आपके पास, 0 पे। तो जाने में क्या हो गई, 80, और रिटर्न होने में भी कितनी हो गई, 80, तो टोटल कह सकते हैं कितनी हो गई आपकी, 160। और 7 सेकंड की अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो अभी अपन पीछे पढ़ के आए हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजिशन से स्टार्ट करके वापिस वहीं आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि टोटल 7 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया आपके पास, 0 हो गया। तो ये हो गया आपके पास, इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। तो एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन आपके पास कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन फर्स्ट 2 सेकंड इज 40 मीटर, आपको बता दिया कि डायग्राम में बी पोजीशन पे, इसलिए 40 मीटर हो गई। सेकंड आपको कह रहा है कि डिस्टेंस निकालनी है, तो 0 से 7 सेकंड के बीच में बॉडी है, हैज मूव्ड ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम ओरिजिन एंड इट हैज अगेन कम बैक टू ओरिजिन। यानी कि यहाँ इस
पोजीशन को अपन ओरिजिन ले रहे हैं, तो ओ से पहले तो आपका यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस हो गई इसकी 160 मीटर। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता दिया कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो जाती है तो अपन कह देते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये अपनी दो प्रॉब्लम थी जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड थी। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, कंपैरिजन पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, कि आपके पास डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट से किस तरीके से डिफरेंट है, और कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपना जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या कर देंगे अपन, कंप्लीट कर देंगे। और उससे रिलेटेड मैं आपको क्या करूँगा, फिर एक वर्कशीट भी प्रोवाइड करूँगा जो आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। उस वर्कशीट में जितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँ वो तो सही है, और जो सॉल्व नहीं हो उसको आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या मेरे जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है उन पे आप क्या कर सकते हो, मैसेज करके और डिस्कस कर सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम हो गई और ये प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे से। तो बच्चों, आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो पर कॉमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को और बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि और बच्चे भी अपना इस वीडियो को देख के क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को किस तरीके से अपन डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट और डिफरेंस पढ़ेंगे, और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व करेंगे आपके पास। तो बच्चों, आप ये वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और बच्चों, आपको किसी टॉपिक में या किसी क्वेश्चन में या किसी लाइन में अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको उस लाइन का एक्सप्लेनेशन दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए बच्चों, आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को नोट भी कीजिए, और आपको इससे क्या करने हैं कि आपके लिए जो आगे भी स्टडी कर सको। तो बार बार आप वीडियो तो देख नहीं सकते, इसलिए आप क्या करना कि इसके अपने अकॉर्डिंग अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेना, ताकि आपको आगे भी ये क्या करे, हेल्प करता रहे आपका। तब तक के लिए थैंक यू।